जय माता दी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं की। आज हम बात करेंगे मां छिन्नमस्ता की। 10 महाविद्याओं में मां छिन्नमस्ता तीसरी महाविद्या है। मां छिन्नमस्ता का रूप अत्यंत भीषण और डराने वाला है। छिन्नमस्ता शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें से छिन्न का अर्थ होता है अलग होना और मस्ता का मतलब होता है मस्तक यानी सिर। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब हुआ मस्तक का अपने सिर से अलग होना। महाभागवत में कथा आती है, राजा दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव ये जानते थे, लेकिन माता सती ये नहीं जानती थी। तो माता सीता वहां जाने की तैयारी करने लगी, तो भगवान ने उन्हें रोक दिया कि वहां मत जाओ और मैं भी वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया। तो माता बोली मैं तो जाऊंगी, लेकिन शिव जी ने फिर भी मना किया कि आप वहां मत जाइए। तो माता सती को गुस्सा आ गया, वो बोली मैं अवश्य जाऊंगी और मैं अपने प्राणेश्वर के लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। और वह बहुत क्रोधित हो गई और उनके नेत्र लाल हो गए, देवी का रूप विकराल हो गया। यह भयानक रूप को देख करके भगवान शिव डर गए और भागने लगे। शिव जिस भी दिशा में जाते वहां एक देवी मिलती और 10 दिशाओं में 10 देवियां प्रकट। यही देवियां, यही शक्तियां 10 महाविद्याएं कहलाई, जो मां भगवती का ही रूप है। 10 महाविद्या यानी विभिन्न दिशाओं की शक्तियां। भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या यानी शोणसी त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, भगवती धूमवती पूर्व दिशा की, माता बगला यानी बगला मुखी दक्षिण दिशा की, भगवती मातंगी वायव्य दिशा की और माता श्री कमला नैत्व दिशा की स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप कैसा है। माता ने अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए हैं। उनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकलती रहती हैं। माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है, प्रचंड है। यह मां का उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। मां का स्वरूप तंत्र के महान रहस्यों को उद्घटित करता है। मां अपनी अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी हुई खोपड़ी हाथ में ली रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। शाक्त ग्रंथों और शाक्त तंत्रों की पुस्तकों में मां छिन्नमस्ता को कामदेव और रति के ऊपर विराजित दिखाया गया है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है और वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। मां ने अपने ही सिर को अपने ही खड्ग से काटकर अपने हाथ में पकड़ रखा है। मां के कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। इन 3 धाराओं में से एक धारा का पान उनकी एक सहचारी जया और दूसरी धारा का पान उनकी दूसरी सहचारी विजया कर रही है। तीसरी धारा का पान स्वयं माता का सिर कर रहा है। एक मत के मुताबिक मां छिन्नमस्ता का सीधा संबंध प्रलय से है। जब षष्ठी का प्रलय होता है तो आद्य शक्ति खुद ही इसी प्रकार अपने सिर को काट करके प्रलय कार्य को पूरा करती है। तंत्र और कुंडलिनी विद्या में इन 3 धाराओं को मनुष्यों की इंडा पिंगला और सुषमना नाड़ी के रूप में दिखाया गया। इन 3 नाड़ियों से परे जाकर के ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है और निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। कामदेव और रति के ऊपर माता के विराजमान होने से तात्पर्य संसार रूपी माया और वासना से साधक का परे जाना है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिनके 3 नेत्र, मां के 2 हाथ हैं जिनमें से एक में खड्ग और दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ।
माने कमरबंद की रूप में राक्षसों की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। तो माँ का ये स्वरूप है। माँ छिन्न मस्ता राहु के प्रकोप से भी बचाती है। ज्योतिष शास्त्र में राहु के दोषियों को निवारण करने के लिए माँ छिन्न मस्ता की पूजा करने का विधान है। वैसे शाक्त प्रमोद नामक महान तंत्र में माँ छिन्नमस्ता को सभी सिद्धियों को देने वाली शक्ति के रूप में माना गया है। वर्तमान में झारखंड राज्य के रजप्पा नामक स्थान पर माँ छिन्नमस्ता का मंदिर है। अब हम आपको बताते हैं कि स्वयं माँ ने अपने हाथों में अपना कटा हुआ सिर क्यों पकड़ रखा है। एक बार माता पार्वती अपनी दोनों सेविकाओं जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई। वहां स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। अब दोनों सेविकाओं ने माता रानी को भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में प्रतीक्षा करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। कुछ समय बाद भी जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो माता रानी से फिर बोला कि माता रानी, भूख जोर से लग रही है, कुछ व्यवस्था कीजिए। तब माता रानी ने अपना खड्ग उठाया और स्वयं का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और माता रानी के धड़ से तीन रक्त की धाराएं फूट करके निकली और दोनों सेविकाओं ने उनका रक्त पी करके अपनी भूख शांत की। इस कारण माता रानी का यह रूप प्रचलन में आया। माँ छिन्नमस्ता की पूजा तांत्रिकों द्वारा तंतु व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करने और विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति और संकट दूर होते हैं और उनके मार्ग प्रशस्त होते हैं। माँ छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रियों में की जाती है। गुप्त नवरात्रियों में सभी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। छिन्न महाविद्या सकल चिंताओं का अंत करती है और मन में चिंतित हर कामना को पूरा करती है, इसलिए इन्हें चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। चिंतापूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। देवी छिन्नमस्ता का एक प्रसिद्ध मंदिर रजप्पा में है। सहारनपुर की शिवालिका पहाड़ियों के मध्य प्राचीन शाक भरी देवी शक्तिपीठ में भी छिन्नमस्ता देवी का एक भव्य मंदिर है। जय माता दी।